मैं फिर तो दोहरा दिया कि तुम याद दिलाएगा महाराजा रणजीत सिंह जी, क्योंकि मैं बेनती करूंगा सरदार जी। रंधावा नौजवान ने अज महाराजा रणजीत सिंह जी के जीवन से एक कैसेट रिलीज़ की है। मैं उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद देना, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जी एक सैकुलर राजा सन। समाज के हर वर्ग को उन्होंने अगे ले जाने का प्रयास किया, हर धर्म उन्होंने बराबर जड़ा है वो अहमियत दी। ऐसे राजा जड़े ने उन्होंने कारण ही ये जम्मू कश्मीर ये पूरा देश जड़ा है ये सुरक्षित सी। और महाराजा रणजीत सिंह के समय अंग्रेज भी जड़े ने वो इस पंजाब खिते ते जड़ा है वो एंटर नहीं कर पाए। तो मैं समझना कि बहुत बड़ा ये नौजवान ने जड़ा महाराजा रणजीत सिंह के जीवन से कैसेट बनाई है, इनू बहुत बहुत मुबारक देने। सिंह जी की जीवनी जो है वो भारत ही नहीं दुनिया भर के अंदर सिखिज्म में सनातन में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा रही है। और सर्वदा भला की सोच के साथ महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने जीवन के दौरान जिस तरीके से सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया, और उनकी जीवनी जो है वो हम सबके लिए सदैव प्रेरणा रही है। मैं वरिंदर रंधावा जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा उपराला किया। ये केवल मात्र एक गीत नहीं है, ये कहे मात्र गाना नहीं है, ये उनकी पूरी जीवनी को दर्शाता है कि उन्होंने किस तरीके से एकमुट होकर सबको साथ लेके चले हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रयासों से हमारी नौजवान पीढ़ी जो है, हमारे राजे महाराजाओं ने जिन्होंने मुगलों के साथ तब लड़ाइयाँ लड़ी जब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, और अपना आप जो है पूरी तरह से जो है वो कुर्बान करते थे कौम के लिए। तो मुझे लगता है कि उस वक्त और आज के वक्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज जब सब सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं तो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ने से संकोच करते हैं। लेकिन प्रयास रहना चाहिए कि महाराजा रणजीत सिंह जी हमारे जीवन की प्रेरणा बने, तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी जो है एक अच्छा आदर्श लेकर आगे बढ़ेगी। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम वीर रंधावा जी, मैं जम्मू रहना सैनिक कलोनी, और मैं गाने लिखता ते गाने ते मैं महाराजा रणजीत सिंह दे हिस्ट्री दे उपर एक गाना लिखिया जो कि अज रिलीज़ कर रहे हैं। असं महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब साड़ी जान इस नाम, और एक गाना सुनने तो बाद मैं लगता है कि जिहड़े साडे अपने आने वाली यूथ है वो इस गाने तो प्रेरित होएगी और महाराजा रणजीत सिंह दे इतिहास में जरूर टटोलेगी, सर्च करेगी महाराजा रणजीत सिंह कौन सा। देखो जी, महाराजा रणजीत सिंह का जिहड़ा इतिहास है वो सानू जो सानू किताबां दे विच सानू औरंगजेब पढ़ाया गया, सानू होर बड़े राजे पढ़ाए गए जिन्हां ने साडे देश नू लुट के खा लिया, लेकिन सानू महाराजा रणजीत सिंह दे बारे दे विच बड़ा घट पढ़ाया गया। महाराजा रणजीत सिंह दे बारे सानू इन्ना क दस्सिया गया कि महाराजा रणजीत सिंह काणा सी, सानू इस गल नू बड़ा हाईलाइट करके दस्सिया गया कि महाराजा रणजीत सिंह काणा सी, लेकिन उस महाराज की दूरअंदेशी किन्नी सी ये सानू नहीं दस्सिया गया, उहदियां फॉरन पॉलिसीज़ कैसियां सी ये सानू नहीं दस्सिया गईयां, उहनां दी एजुकेशन पॉलिसी उहनां दे राज दे विच किन्नी सी, 40 साल दे राज दे विच एक भी ऑफिशियल फांसी जिहड़ी है वह किसी भी बंदे नू खालसा राज दे विच नहीं हुई। ये सानू 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 देखण दी लोड़ है कि उहनां दे राज नू सेध लैण दी लोड़ है, जिहड़े अज भी साडे नुमाइंदे बणदे ने उहनां नू महाराजा रणजीत सिंह नू सेध लैण दी लोड़ है कि राज किद्दां दा हुंदा सी। इह महाराजा रणजीत सिंह नू तूं बखूबी सानू कोई नहीं दस्सदा। आपको लगता है कि आने वाली जनरेशन को महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास? बिल्कुल जी, जदों असी महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास गावांगे पढ़ांगे जरूर है, असी उन्हें अच्छे तरीके दे नाल उन्हें प्रमोट करांगे लोगों तक लैके जावांगे, तो बच्चे साढ़े जिहड़े जरूर महाराजा रणजीत सिंह दे जिहड़ा इतिहास जरूर पढ़ांगे।